चक्कर में हरियाणा चला गया, अभी हिमाचल में समोसे का चक्कर शुरू हो गया है, सीआईडी तक जांच करी है उसका। सवाल क्या है? सवाल यही है सर, उसका असर जाएगा चुनाव में, भी महाराष्ट्र के चुनाव है और भी चुनाव है, इस तरीके से चलेगी। पूरा मैटर बनी थी हरियाणा में और पूरा हरियाणा फंस के रह गया, कांग्रेस के हाथ से निकल गया। अभी हिमाचल में सीआईडी ने समोसे की जांच की, सीएम के लिए समोसे और केक आए थे और वो दूसरों को बांट दिए गए, उसकी जांच हुई है, बीजेपी ने मुद्दा बनाया उसको। देखिए, गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारें जहां जहां भी हैं वहां जनता की सेवा करने के बजाय, मुख्य बिंदु पर काम करने की बजाय अनेकों चीजों पर काम होता है। मुझे लगता है जैसे आपने प्रश्न पूछा वो उसी तरह से जनता को डिस्ट्रैक्ट करने का, जनता के जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसका मिसयूज करने का एक उदाहरण है। निश्चित तौर पर जनता ये सब देखती है और ये देखकर अपना निर्णय और आशीर्वाद देती है। राजस्थान में उपचुनाव है, नेताओं की साख बनता जा रहा है, ये उपचुनाव 7 सीटों के लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन ऐसे सब नहीं देखे गए नेताओं के मुझे। कोई कहता है आपकी सीटी वायरल हो गई है, कोई कहता है कि कहां लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं हो सकते, कोई कहते हैं कि 12 तारीख के बाद कत्लेआम होगा, इस तरीके के शब्द को लेकर जो उपयोग कर रहे हैं, तो क्या नेताओं की साख बन चुका है ये 7 सीटों? चुनाव हो, उपचुनाव हो, तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र के अंदर एक संयम बनाकर एक पॉजिटिव सकारात्मक उदाहरण नेतृत्व बनना चाहिए। उसके अंदर जैसे उंगलियों के अलग अलग आकार होते हैं, उसी तरह जो राजनीति में लोग आते हैं उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। मुझे लगता है कि हमें जो सकारात्मक उदाहरण है, जो संयम रखते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो भाषा का सही प्रयोग करते हैं, जो विपक्ष को भी या तो सम्मान करते हैं या उनको नजरअंदाज कर देते हैं, ये हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण है और राजनीति में भी महत्वपूर्ण है और जनता को ये देखना चाहिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कोई भी ओछा बयान हो। वो हमारे परिवार के अंदर जब हमें स्वीकार नहीं है तो फिर बड़े परिवार के रूप में इस देश में क्यों स्वीकार है?